बीदर जिला के औरा तालुके में पूर्व पशुपालन मंत्री व औरा के विधायक प्रभु बी चौहान ने केपी न्यूज से बात की और औरा में पशु प्रजनन केंद्र के कार्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औरा में पशु प्रजनन केंद्र पर काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि औरा में तालुके के हिक्कापुर में मवेशी प्रजनन केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र का काम शुरू होने वाला है। विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा कि पशुपालन मंत्री ने काम जल्द शुरू करने के मेरे अनुरोध का जवाब दिया है और कहा है कि वह 18 सितंबर को उस स्थान का दौरा करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि इस क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में एक पशु प्रजनन केंद्र बनाया जाए। पहले जब मैं पशुपालन मंत्री था तो मैंने औरा में तालुके में किसानों के लिए पशु प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर बहुत दबाव डाला और 34 से 49 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया और कैबिनेट से मंजूरी ली। बाद में मैंने जिला प्रशासन के माध्यम से हिडगापुर गांव में 33 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। बाद में सत्ता में आई कांग्रेस युक्त सरकार ने पशुपालन विभाग की पूरी तरह उपेक्षा की, जिसके कारण इसमें देरी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य सरकार को कई पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया है, क्योंकि सत्ता में आने के एक साल बाद भी पशु प्रजनन केंद्र का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं पशुपालन मंत्री के वेंकटेश से अलग से कई बार गुहार लगा चुका हूँ। मैंने फोन पर भी काम जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। मेरे अनुरोध पर उन्होंने कहा कि वे 18 तारीख को पशु प्रजनन केंद्र निर्माण स्थल पर जाकर भूमि पूजन करेंगे, जिससे काम जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। नवनिर्मित पशुधन प्रजनन केंद्र में घरेलू मवेशी, गाय प्रजनन इकाई, भैंस प्रजनन इकाई, बकरी मुर्गी प्रजनन इकाई होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आवासीय किसानों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। और याद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरा बी तालुका में आज पूर्व पशुपालन मंत्री और औरा के विधायक प्रभु बी चौहान के अंदर जो हेडगापुर के अंदर जानवर का जो केंद्र है उसके बारे में क्यों बोलते जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम बात करेंगे। खुद हमारे साथ पूर्व पशुपालन मंत्री और औरा के विधायक प्रभु बी चौहान खुद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। सर क्या बताएंगे, 18 तारीख को जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या बताएंगे? औरा के सर्वांगीण विकास के लिए, औरा के किसानों के लिए जानवर प्रशोधन केंद्र हमने मंजूर किया था 2022-23 में, जब हमारी सरकार थी बीजेपी की, मैं मंत्री था और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जानवर प्रशोधन केंद्र 32 कोटि का मंजूर किया नाबार्ड में। अभी 1.5 साल हो गया, मैं बार बार मंत्री को मिल रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ कि ये काम अर्जेंट चालू करना है, लोगों ने लेट किया। फिर मैं कल जाके मंत्री से रिक्वेस्ट किया कि भाई काम चालू करना है। ऐसा तो मैंने पहले पूजा किया हूँ चुनाव के पहले, लेकिन और एक बार ट्राई करूँ तो ठीक है। तो अभी 18 तारीख को डेट डिक्लेयर हुआ है, उन्होंने डेट दिया है, 18 तारीख को आएंगे, विजिट करेंगे और पूजा भी करेंगे और काम शीघ्र चालू होगा, क्योंकि मेरा संकल्प है हमारे किसानों की किसान तरबियत केंद्र उसमें है और मेरे मेरे तड़े हैं देवली तड़ी, ऐसा 6 यूनिट मैंने उसमें किया है। ये होने से हमारे किसानों का बहुत अच्छा होने वाला है, उसको तरबियत किसान के लिए। हमारा जो गौ माता है ना, हमारा आंसू है ना गाय, उसका सेवा करने के लिए जो ट्रेनिंग है उसमें दिया है, वो ट्रेनिंग सेंटर है और घर घर वैरायटी है, ये सब करने के लिए हमने मंजूर किया है, सरकार लेट किया है, फिर भी देर दुरुस्त है। कल हमारे मंत्री जी मंत्री आपके हमारे पास तो वेंकटेश मंत्री जी हमारे मंत्री के और उनके साथ भी इंचार्ज मिनिस्टर भी आएंगे, जो भी इंचार्ज मिनिस्टर और हम रहेंगे, पूजा होगा, काम चालू होगा।